सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। नागरिकता के सवाल पर बवाल पूरे देश में जारी है। आपको बता दें, दिल्ली में जामिया में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो इस वक्त जो है अभी भी चल रहा है। कई छात्र, कई स्टूडेंट्स अर्धनग्न होकर के सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जामिया में छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया था जबरदस्त तरीके से। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें पुलिस की बर्बरता भी दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें छात्र या जो लोग हैं उस इलाके के, वो पत्थर बरसाते हुए पुलिस पर भी दिख रहे हैं। बवाल इतना बढ़ चुका कि लगभग 125 से ज़्यादा छात्र घायल हुए हैं। कई सारे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद से यह आंदोलन जामिया का और भड़क गया था। जामिया के अंदर पुलिस चली गई थी और उसके बाद आज सुबह से एक छात्र अर्धनग्न अवस्था में वहां पे धरने पर बैठा हुआ था। और उसका शहजाद नाम का ये छात्र, इसका साफ साफ ये कहना था कि छात्रों के ऊपर जिस तरीके से ज्यादती की गई है, जब तक इस पर मजिस्ट्रेरियल जाँच नहीं होती, मजिस्ट्रेट जाँच नहीं करते और कार्रवाई नहीं होती दोषी पुलिस वालों पर, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि किसी तरीके से उसको मना करके 2-3 घंटे के बाद उसको कपड़े पहनाए गए, लेकिन उसके बाद लगभग 20 से 25 छात्र शर्टलेस होकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। और आपको बता दें कि ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सवाल नागरिकता के कानून, जो संशोधन कानून जो अभी बनाया गया है, उससे शुरू हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि जामिया के ये छात्र नागरिकता संशोधन बिल जो पास हुआ है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, उसका विरोध कर रहे थे और उसको लेकर के धरना प्रदर्शन और विरोध शुरू हुआ था। और इन छात्रों का ये प्लान था कि ये संसद तक मार्च करेंगे। इसको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई थी और पुलिस का ये कहना है कि छात्रों की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पत्थर बरसाए गए, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और दो चार कुछ छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि हम पीसफुल मार्च करने के लिए संसद के लिए निकले थे, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई थी, बैरिकेटिंग पर धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। हालांकि कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें पुलिस बहुत ही बर्बरता से लड़कियों तक को मारते पीटते हुए दिखाई दे रही है। सवाल काफी इस वक्त गर्म है पूरे देश में। और आपको बता दें कि जामिया का यह बवाल अब पूरे देश में पहुंच चुका है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना और कई अन्य शहरों में काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं। जगह जगह वहां भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूपी के 6 जिलों में आपको बता दूं कि इस वक्त जो है 144 लगा दिया गया है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि अलीगढ़ में है, इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है और वीसी की, चूंकि वीसी ने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वहां पे एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई है। एएमयू के कैंपस में इस वक्त पुलिस मौजूद है। लेकिन यूपी के डीजीपी ने साफ तौर पे ये कहा है कि एहतियातन 6 शहरों में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ और एक दो जगह पे 144 लगा दिया गया है और एहतियातन पुलिस व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश भर के छात्र इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सवाल सिर्फ नागरिकता का है तो सरकार का ये कहना है साफ साफ कि ये तो बाहर के जो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए गए लोग हैं उनकी नागरिकता का सवाल है, उनको नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की तो इसमें कोई बात हो नहीं रही है। ये बिल जो है वो नागरिकता दे रहा है और ऐसे लोगों को दे रहा है जो धार्मिक तौर पर दूसरे देशों में सताए हुए हैं और भाग करके उन्होंने आकर के यहाँ शरण ली है। तो सरकार अगर ये कह रही है कि नागरिकता देने की बात है, इसमें नागरिकता लेने वाली कोई बात नहीं है, तो फिर ये आंदोलन क्यों है? तो क्या ये सवाल वाकई नागरिकता का है या इसके पीछे कोई और राजनीति हो रही है? आप सोचिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।
you.